हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मीट योर मैच कलर बोर्ड अर्बन मैक आई शेडो पैलेट का रिव्यू। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे आई शेडो पैलेट के रिव्यू अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं मेकअप लवर हूं और मुझे नए नए आई शेडो ट्राई करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इससे पहले भी दोस्तों, मैंने जितने भी अभी तक यूज किए हैं ना, उनका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं कलर बोर्ड अर्बन मैक आई शेडो पैलेट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इस आई शेडो पैलेट की मैंने बहुत तारीफें सुनी थी, बहुत इसके रिव्यूज भी चेक किए थे, बहुत अच्छे थे। और लेकिन इसे लेकर एक कन्फ्यूजन थी कि कौन से ब्रांड का लूँ, क्योंकि आपको ये ऑनलाइन अलग अलग ब्रांड के मिल जाएंगे और बहुत सारे इसमें ब्रांड्स हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। लेकिन इसके रिव्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो मैंने इसलिए इसे परचेज किया है। दूसरा इसे परचेज करने का रीज़न ये था दोस्तों कि आपको एक ही पैलेट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कलर के। लाइक अगर आपको क्रीज लाइन के लिए लाइट शेड्स चाहिए होते हैं, ट्रांजिशन शेड जैसे कि हम यूज़ करते हैं क्रीज लाइन के लिए, तो इसमें ये सभी ऑप्शंस आपको एक पैलेट में मिल जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि एक ही कलर में इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, ग्लिटर ग्रीन, शिमर ग्रीन, मतलब इस तरीके से इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, इसलिए भी मेरा ये पैलेट खरीदने का मन था। पैकेजिंग की मैं अगर बात करूं, वैसे तो पैकेजिंग इसकी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, पसंद आई है, बट इसे थोड़ा सा केयरफुली आपको कैरी करना होगा और थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसे यूज करते टाइम, क्योंकि अगर थोड़ी सी और ज्यादा इसमें मजबूती दी होती, यानी कि अगर ये प्लास्टिक में होता तो भी बहुत अच्छा रहता, अदरवाइज ये कार्डबोर्ड में है तो भी मतलब ओके पैकेजिंग है इसकी। लेकिन मजबूती की मैं अगर बात करूं तो यस, ये प्लास्टिक में होना चाहिए था, तो और ज्यादा इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती। ओवरऑल अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो अच्छी लगी है इसकी पैकेजिंग। इस तरीके से ये ओपन हो जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन, लाइट पिंक और ब्लू के बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ये चीज़ मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें एक ही कलर के इतने सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स भी हैं या फिर अगर आप ब्राइडल हैं या आपकी शादी होने वाली है, अपनी मेकअप किट में अलग अलग कलर आप ऐड करना चाहती हैं आई शेडो के, तो यस, ये पैलेट ब्राइडल के लिए भी परफेक्ट है। अगर आप इसे पार्लर के लिए यूज़ करना चाहती है, लाइक अपने पार्लर या सलून के लिए, तब भी आप इसे परचेज कर सकते हो। अच्छा लगा है मुझे पैलेट और इसकी हेल्प से बहुत जल्दी आप आगे मेकअप लुक तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। इसके ऊपर ये एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट शीट दी गई है, इस तरीके से ये ओपन होता है, देख सकते हो आप। और ये आप देख सकते हो इस तरीके से न्यूट शेड और रेड शेड भी आपको मिल जाते हैं, और ये है पर्पल के शेड्स, आप देख सकते हो। मैं भी आपको नीचे रखकर कैमरा ना फिर अच्छे से दिखाती हूँ, क्योंकि अभी आपको शायद ये उतने अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा, बट ये इस तरीके से बंद हो जाती है ट्रेस की, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। और इस तरीके से ये पैक हो जाता है, ट्रैवल फ्रेंडली है ये दोस्तों, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुली इसे कैरी करना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से ये ओपन हो जाता है, पैलेट में कोई कमी नहीं है, अच्छा है पैलेट, पिगमेंटेड शेड्स हैं, शेड्स के ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें आपको यहाँ पर एक ये पिन दी गई है, जिसके सहारे यहाँ पर इस तरीके से ये शेड्स ओपन होते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। पर्पल कलर का जो इसमें शेड है ये फिक्स है, बाकी के तीन ट्रे इसमें इस तरीके से ये मूवेबल है, आप देख सकते हो, ये देखिए। बस दोस्तों, मुझे इसके साथ ना एक चीज अच्छी नहीं लगी कि ये देखिए, ये वाला जो शेड है ना, इसमें लाइट बेबी पिंक शेड है ये आई थिंक, तो ये जो है इसी तरीके से हालत में मिला है। बाकी सारे शेड्स एकदम परफेक्ट हालत में थे, बस ये एक शेड आधे टाइम शायद टूट गया है या क्या हुआ है, आई डोंट नो। वैसे ये पैलेट दोस्तों मुझे बबल रैप होकर अच्छे से ही मिला था, पैक होकर इतने बड़े बॉक्स में आया था, उसके बावजूद ये क्रैक हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ उसकी पैकेजिंग, इस तरीके से ये दो कार्डबोर्ड पैकेजिंग में पैक होकर अच्छे से आया था डबल पैकिंग में, उसके बावजूद ये इस हालत में आया है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये अच्छे से ऐसे मूव हो जाता है पैलेट। तो चलिए, मैं इसकी पिगमेंटेशंस भी आपको दिखा देती हूँ कि इसकी पिगमेंटेशन कैसी है सभी शेड्स की। इस पैलेट की सबसे खास बात दोस्तों मुझे यही लगी थी कि इसमें कलर ऑप्शंस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, हर एक ड्रेस के अकॉर्डिंगली आपको कलर मिल जाता है। लाइक अगर इसमें, जैसे कि मैंने इस पैलेट के बारे में आपको बताया है, ये पैलेट में आप देख सकते हैं येलो भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, ब्लू शिमर में भी है, मैट में भी है, ग्लिटर में भी है, ये आप देख सकते हो दोनों तरह के इसमें ब्लू शेड दिए गए हैं, दोनों ग्लिटर्स में है और शिमर शेड में भी आपको दिया गया है। अगर आपको मैट में है तो दोनों ही शेड आपको ग्रीन कलर में, मतलब शिमर में भी है, ब्लू में भी शिमर है,
तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। इसी तरीके से दोस्तों ये ग्रीन कलर का पैलेट है, ये आप देख सकते हो, इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस सभी दिए गए हैं। ब्लू में ऑप्शंस काफी ज्यादा अच्छे हैं और ग्रीन में भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ग्रीन में आपको लाइट ग्रीन मिल जाता है, ये मिंट ग्रीन है, और इसमें मिंट ही आपको शिमर में भी मिल जाता है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है कि इस एक पैलेट में आपको इतनी सारी खूबियां मिल जाती हैं। चलिए अब मैं इसकी पिगमेंटेशन आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले शेड लेते हैं, ये पर्पल कलर का शेड मैं यहां पर ले रही हूं। ये देखिए कितना पिगमेंटेड है, आप देख सकते हो। ग्लिटर्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ये ग्लिटर है, ये देखिए वाओ वाओ पिगमेंटेशन है, ये आप देख सकते हो। चलिए मैं ग्रीन ये वाला शेड भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए सिर्फ हल्का सा ही लिया है मैंने, कितना पिगमेंटेड है आप देख सकते हैं। अरे ये कैमरा क्यों नहीं फोकस कर रहा है भाई, ये आप देख सकते हो। ये देखिए अभी आपको शायद नजर आ रहा होगा। चलिए मैं अब आपको ये ब्राउन दिखाती हूँ, ब्राउन सॉरी कॉपर शेड है आई थिंक। ये देखिए ये भी कितना पिगमेंटेड है। तो यस कलर ऑप्शंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे ही दोस्तों ये रेड में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइट रेड होता है ना जैसे चेरी सा शेड होता है वो भी आपको मिल जाता है, डार्क रेड भी मिल जाता है, ट्रांजिशन शेड आपको इसमें मिल जाते हैं, ये दो शेड आप यूज कर सकते हो, ऑरेंज जो शेड होती है। चलिए इसकी पिगमेंटेशन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सिर्फ थोड़ा सा लेने पर ही कितने पिगमेंटेड लग रहे हैं शेड्स। ये देखिए ये वाला कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है, और चलिए मैं रेड भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, और दोस्तों खास बात ये भी है, मैंने आज आई मेकअप जो किया है ना वो इसी पैलेट की हेल्प से किया, यही रेड शेड मैंने लगाया था, ब्लैक तो इसमें नहीं है तो यही रेड शेड लगाया था। खास बात यही है कि आप थोड़ा सा शेड लेंगे ना तो एकदम से प्रोडक्ट आ जाता है, ये नहीं कि आपको बार बार लगाना पड़ रहा है, टच करना पड़ रहा है। चलिए मैं रेड ग्लिटर भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितने पिगमेंटेड है, सिर्फ जरा सा मैंने टच ही किया है, और ये देखिए जैसे वैसलीन सॉरी होती है तो वैसा नहीं है, इसमें वैसलीन वाले ग्लिटर्स नहीं है। चलिए अब एक ही शेड भी देख लेते हैं, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल शेड लग रहा है मुझे, मेटेलिक शायद लग रहा है मुझे ये देखिए, सॉरी ये कॉपर शेड है। ये देखिए कितना ज्यादा पिगमेंटेड है। ये देखिए मैं दोबारा एक बार और लगाकर दिखा देती हूँ, शायद कैमरा उतने अच्छे से नहीं दिखा पा रहा है। ये देखिए लेकिन शेड गाइज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ये तो आप देख सकते हो दोस्तों, दोनों ही शेड मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये वाला पर्पल भी मैं आपको ना एक बार चेक करा देती हूँ। ये देखिए ये वाला पर्पल शायद आप सोच रहे होंगे मैंने नहीं दिखाया। ये देखिए कितना पिगमेंटेड है दोस्तों ये शेड, ओह माय गॉड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। वैसे लेने से पहले थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि लूं या नहीं लूं, लेकिन लेने के बाद मैं अभी से कह सकती हूँ कि पैसा वसूल प्रोडक्ट है। ये देखिए ऐसा शेड है ये। चलिए ये दो पैलेट तो मैंने आपको दिखा दिए, अब बारी आती है ये ग्रीन कलर के पैलेट की, जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है सच में। ये आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सच में। ये वाला ग्रीन ना शायद था भी नहीं, ये देखिए कितना पिगमेंटेड है, थोड़ा सा ही लिया है दोस्तों आप देख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको लगाकर। ये देखिए ओह माय गॉड क्या पिगमेंटेशन है, ये देखिए। चलिए ये वाला शेड भी दिखा देती हूँ। ओहो ये शायद मुझसे ही खराब ना हो जाए कहीं। ये देखिए दोनों शेड में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। चलिए मैं ग्लिटर दिखा देती हूँ आपको। ओह माय गॉड कितने पिगमेंटेड हैं ग्लिटर्स, ये देखिए। चलिए ग्रीन भी दिखा देती हूँ, ग्रीन ग्लिटर्स भी आप देख सकते हो। ये देखिए मतलब थोड़ा सा टच करने पे ही प्रोडक्ट आ रहा है, ऐसा नहीं आपको दबा दबा के टच करना है। ये देखिए एक ये मिंट ग्रीन आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर है, ओ माय गॉड। ये देखिए चलिए मैं ये वाला ब्लू शिमर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब मैं आपको पिंक शिमर शेड दिखा देती हूँ। ये देखिए तो चलिए दोस्तों अब बारी आती है ब्लू पैलेट की, तो यहां पर मैं ब्लू पैलेट की पिगमेंटेशन भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ऑसम पैलेट है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स हैं। प्लीज प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा। चलिए ये शेड भी देख लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा पाउडरी लग रहा है मुझे, या तो ये पता नहीं टूट गया है शायद खराब हो गया है इस वजह से, अदरवाइज ये कलर भी काफी पिगमेंटेड है आप देख ही सकते हो, और ये ना शिमर में लग रहा है मुझे। हाँ इसमें ये शिमर में शेड है। और चलिए ये वाला ब्लू कलर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना पिगमेंटेड है ये भी आप देख सकते हो। चलिए ये लाइट ब्लू देख लेते हैं, ये कलर भी नहीं था, स्काई ब्लू कलर है ये।
और ये देखिए पिगमेंटेशन दोस्तों, सभी शेड्स ऑसम है, प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा कि देखिए कितने पिगमेंटेड शेड्स हैं। ओ माय गॉड, मुझे तो पूरे पैसे वसूल लग रहे हैं इस पैलेट में। थैंक गॉड कि मेरे पैसे वेस्ट नहीं गए हैं। चलिए ये कलर भी दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए जगह नहीं बची है इसलिए मैं यहाँ पर आपको लगा कर दिखा रही हूँ। और ये ब्राउन कलर है, और चलिए येलो कलर भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी पिगमेंटेड लग रहा है। ये देखिए अब बारी आती है ये ब्लू शिमर शेड की, तो ये शिमर शेड भी देख लेते हैं, यहाँ मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये देख लेते हैं, ये ग्रे है भी हैं शायद, हाँ जी ये ग्रे में शिमर शेड है, थोड़ा ब्लैक और ग्रे जैसे मिक्स होता है ना कुछ, उस टाइप से कलर है ये, आप देख सकते हो। ये देखिए, आई होप आपको पिगमेंटेशन नजर आ रही हो। चलिए ये कॉपर शेड भी देख लेते हैं, लो भाई यहाँ पर लगाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए अब बारी आती है इस लाइट ग्रीन कलर की, ये देख लेते हैं। ये देखिए ये भी कितना पिगमेंटेड है, ओ माई गॉड। ये देखिए, तो दोस्तों मैंने सभी शेड आपको ना चेक करा दिए हैं, सभी ग्लिटर शेड भी दिखा दिया है, मैट शेड भी बहुत सारे ही अच्छे हैं, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि इस पैलेट में कुछ कमी है, तो मुझे तो अभी तक कोई कमी नजर नहीं आई है। चलिए ये वाला एक शेड रह गया मेरा, बड़ा मन हो रहा है मैं इसे दिखा दूं ना एक बार, मन होता है कि बस सारे ही लगाकर दिखा दूं, कहां लगाकर दिखाऊं। चलिए यहां लगाकर दिखाते हैं, ओ माई गॉड ये शेड भी बहुत ही प्यारा है, जैसे गाजरी सा जो कलर होता है ना थोड़ा वैसा कलर है ये, तो यस ये भी अच्छा है कलर। तो मेरी तरफ से तो इस पैलेट के लिए भी मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी, प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा, पैलेट बहुत ज्यादा अच्छा है, इजिली पर्स में कैरी कर सकते हो, बस ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैरी ध्यान से करना है क्योंकि ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है, और इस पिन की वजह से ही मैं आपको कह रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि थोड़ा सा ना ध्यान रखना इसे कैरी करते टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, और इस तरीके से ना यहाँ पर वो लगी हुई है, मैग्नेट लगी हुई है, तो अच्छे से लॉक हो जाता है, वैसे कोई चिंता की बात नहीं है। इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है, और हाँ कलर के हिसाब से ही इसकी पैकेजिंग है। देखिए नीचे पर्पल शेड है तो पर्पल कलर की इसकी ट्रे है, इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं जिस भी कलर में आई शेडो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पैकेजिंग अच्छी है, सभी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, सभी इंग्रेडिएंट की लिस्ट दी गई है, ग्लिटर इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है, आई शेडो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। शेल्फ लाइफ इसकी 24 तक है दोस्तों, आप देख सकते हो। इस पैलेट की दोस्तों बस मुझे एक छोटी सी कमी ये लगी है कि इसमें अगर ब्लैक आई शेडो भी दिया होता ना तो ये पूरा एक कंप्लीट आई शेडो पैलेट मतलब बन जाता, बस एक इसमें ब्लैक कलर की कमी है, अदरवाइज इसमें सभी कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे भी आपको कलर्स चाहिए आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंगली, तो वैसे इसमें सभी कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ये मुझे चीज अच्छी लगी है। लेकिन बस इसमें एक ब्लैक कलर होता ना तो और इसमें चार चांद लग जाते, और यस ब्लैक कलर भी होना जरूरी होता है आई शेडो में। और बहुत जल्दी दोस्तों इसकी हेल्प से मैं सोच रही हूँ कि बंगाली मेकअप लुक भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत टाइम पहले भी मुझे आप लोगों ने बोला था, रिक्वेस्ट भी की थी कि बंगाली ब्राइडल मेकअप लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो कोशिश करूंगी दोस्तों कि जल्द से जल्द मैं उसे अपलोड कर सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा, और अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लिंक मैंने आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है दोस्तों, अलग अलग साइट पर ये आपको अलग अलग प्राइस में मिल जाएगा, तो जहां पर भी आपको एफोर्डेबल प्राइस पर ये मिल जाए आप ले लीजिएगा, मैंने इसकी फिलहाल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी है। आई होप दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम एमएक्स टेक पर भी, मैं आपसे मिलती हूँ और ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।